नमस्ते एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हैवेल्स इंडिया की सबसे वेल नोन ब्रांड में से एक है। 1993 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई ये कंपनी आज अपने ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू पर है। इनफैक्ट 2018 से 2023 में कंपनी ने अपना टोटल रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा ग्रो कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद हैवेल्स में पिछले एक साल से इन्वेस्टर हूँ एंड आगे भी रहने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी ने भी कोई पैसे नहीं दिए हैं। ये एक न्यू चैनल है एंड ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हैवेल्स जैसी कंपनी के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एंड मैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करता हूं। इस वीडियो को प्लीज फाइनेंशियल एडवाइस या स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च खुद करो, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करो एंड तब जाके ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक रिस्की चीज है एंड हर किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज यानी मई 30, 2023 को इस वीडियो को बनाने का क्या रीजन है। आज हैवेल्स का स्टॉक अपने 1 ईयर से 6% नीचे है एंड 5 ईयर हाई से लगभग 10% नीचे है। एक कंपनी जो अपने रेवेन्यूज में ऑल टाइम हाई पे है एंड तगड़े प्रॉफिट्स रजिस्टर कर रही है, उसके स्टॉक ने अगस्त 2021 ऑलमोस्ट 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है। इसका मेन रीजन बस यही है कि कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर्स में काफी स्ट्रगल किया था एंड नंबर्स भी नीचे गए थे, बट अब कंपनी के नंबर्स बहुत हेल्दी शेप में हैं एंड ये स्टॉक कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपनी ऑल टाइम हाई की ओर भी चल चुका है। लास्ट ईयर का स्ट्रगल का मेन रीजन था कोविड का रोल ओवर इफेक्ट। कोविड के टाइम हैवेल्स में काफी सारे प्रोडक्ट्स के इनपुट कॉस्ट में इंक्रीज आया था, जिस वजह से प्रॉफिट्स कम हुए थे एंड कंपनी ने अपना प्रोडक्शन भी कम किया था। पुरानी अनसोल्ड इन्वेंट्री, लेस प्रोडक्शन, हाई इनपुट कॉस्ट और लेस मार्जिन जैसे प्रॉब्लम्स अब खत्म हो चुके हैं एंड नंबर्स की माने तो अब हैवेल्स एक बार फिर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है। अब हम डिस्कस करते हैं हैवेल्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। आज हैवेल्स का 44% बिजनेस उनके कोर प्रोडक्ट्स केबल्स एंड स्विच गियर से आता है। इसमें आपके घर की वायर्स, MCB वगैरह वगैरह इंक्लूडेड है। 10 साल पहले ये दोनों कॉम्पोनेंट्स हैवेल्स के बिजनेस में 64% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। हैवेल्स ने पिछले 10 साल में अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई किया है एंड इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ब्रांड जो कि लॉयड है अब हैवेल्स के रेवेन्यू में 20% कंट्रीब्यूट करता है। हैवेल्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स जैसे स्विचेस, फैंस, वायर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, वाटर हीटर्स, RO एक हाई ग्रोथ सेक्टर में प्लेस्ड है जहां 10% रेवेन्यू एंड बिजनेस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले कुछ सालों में, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स की अगर माने तो। हैवेल्स ने एज अ ब्रांड अपने आप को ट्रेंड्स के साथ भी आगे बढ़ाया है। जैसे आजकल एलेक्सा एनेबल्ड डिवाइसेस का कल्चर मेट्रोज में आ रहा है, जिसके लिए हैवेल्स ने स्मार्ट होम्स एंड IoT प्रोडक्ट्स में काफी इन्वेस्टमेंट की है एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। अगले 5 साल में हैवेल्स की मैक्सिमम ग्रोथ आएगी इनके इलेक्ट्रिकल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से। इंडिया में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे फैंस, स्विचेस, लाइट्स वगैरह वगैरह, इनका मार्केट साइज जो आज 1,25,000 करोड़ है, वो बढ़कर अगले 5 सालों में 2,00,000 करोड़ तक जाएगा। हैवेल्स का लॉयड ब्रांड जो मोस्टली डील करता है कंज्यूमर अप्लायंसेज में जैसे TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, इसका मार्केट साइज इंडिया में आज 1,00,000 करोड़ है, जो 12% CAGR से बढ़कर 1,75,000 करोड़ हो जाएगा अगले 5 सालों में। इससे हमें 2 चीजें पता लग गई हैं। पहले तो जिस इंडस्ट्री में हैवेल्स के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्री में इटसेल्फ काफी ग्रोथ पोटेंशियल है एंड इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए हैवेल्स काफी ज्यादा वेल प्लेस्ड है। हैवेल्स के 2 और सब ब्रांड है स्टैंडर्ड और रियो नाम से, जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं रूरल एरियाज या Tier 2 and 3 सिटीज में, एंड इसी तरह हैवेल्स का क्रैब ट्री ब्रांड है जो केटर करता है प्रीमियम और हाई एंड कस्टमर्स को। हैवेल्स के पास आज हर टाइप के कस्टमर के लिए एक ब्रांड है। इंडिया के रूरल एरियाज में FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर का हैवेल्स सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड ब्रांड है। इस वजह से इंडिया के अगले डेकेड में होने वाली रूरल ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट हैवेल्स को मिल सकता है। हैवेल्स सोलर एनर्जी जैसी एमर्जिंग इंडस्ट्री के लिए भी प्रोडक्ट लाइनअप में काफी काम कर रहा है एंड बाकी न्यू सेक्टर्स जहां हैवेल्स ने अपनी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना शुरू किया है वो है पर्सनल ग्रूमिंग और वाटर प्योरिफायर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी के नंबर्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आज हैवेल्स का टोटल रेवेन्यू अराउंड 17,000 करोड़ है, जो पैंडेमिक से जस्ट पहले फाइनेंशियल ईयर 2019 में 10,000 करोड़ था। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। आज हैवेल्स पे टोटल डेट अराउंड 437 करोड़ रुपीज का है
एंड कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है, जो कि बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनफैक्ट हेवेल्स का डेट टू इक्विटी रेशियो सेम इंडस्ट्री की बाकी कंपनी से काफी ज्यादा कम है। कंपनी ने लास्ट ईयर अपने टोटल लॉन्ग टर्म डेट को रिड्यूस तो किया है, बट ओवरऑल लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है। बट ये हेवेल्स को माइंड में रखते हुए कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। हेवेल्स का डिविडेंड यील्ड 0.58% है एंड एक 40% का कंसिस्टेंट पेआउट रेशियो हेवेल्स ने काफी टाइम से मेंटेन किया है। एफआईआईज ने एक साल पहले अपना इन्वेस्टमेंट कम करना स्टार्ट कर दिया था, बट लास्ट क्वार्टर में वो भी अब हेवेल्स में री इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये जनरली एक हेल्दी साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। प्रमोटर के पास भी 59.45% शेयर है, जो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहा है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स वो अभी भी इस स्टॉक को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि पिछले 4-5 क्वार्टर्स में टोटल म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग में काफी बार ऊपर नीचे हुआ है। हेवेल्स आज इंडिया की स्टॉक मार्केट में 69th पोजीशन पर है 81,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। अगर कंपनी अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन करती है तो अगले 2-3 साल में ये निफ्टी 50 इंडेक्स में अपनी जगह बना सकती है। ऐसा होने पर स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, बट ये एक स्पेकुलेशन वाली बात है एंड इससे हमें कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। तो इस वीडियो को अब कंक्लूड करते हैं एंड मैं अपनी फाइनल अप्रोच आपको बताता हूं। मेरे अकॉर्डिंग हेवेल्स आज काफी वेल पोजिशन्ड कंपनी है, जिसका स्टॉक एक बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। अगर ये स्टॉक अपने 2 साल पुराने पीक पर भी चला जाता है तो इसमें 10% गेन है, बट मेरे ओपिनियन में ये इवेंचुअली उस पीक से काफी ऊपर जाएगा। आज की डेट में सिर्फ 50% एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए एंड 50% कहते हैं कि इस स्टॉक को होल्ड या सेल कर देना चाहिए। ये एनालिस्ट हिस्टोरिकली काफी ज्यादा बार गलत साबित होते हैं एंड हेवेल्स के टाइम दोबारा ऐसा हो सकता है। हमें इनके ओपिनियन को माइंड में रखते हुए हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए एंड एनालिस्ट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट हेवेल्स में ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाऊंगा, सारे डिविडेंड्स को स्टॉक में रीइन्वेस्ट भी करता रहूंगा जब तक ये स्टॉक एक डिसेंट ब्रेकआउट ना दे दे। ऐसा होने में शायद 1 साल भी लग जाए एंड क्या पता किसी अनसर्टेनिटी की वजह से ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है। अगर उस टाइम कुछ फंडामेंटली गलत ना हुआ तो शायद मैं अपनी इन्वेस्टमेंट और स्पीड से इंक्रीज कर दूं एंड ब्रेकआउट मिलते ही मैं इस स्टॉक को रीइवैल्यूएट करूंगा एंड इस चैनल पे आप सबको अपनी अगली अप्रोच बताऊंगा। आप प्लीज इस वीडियो को हेवेल्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। आप अपनी रिसर्च करो एंड मेरे दिए हुए स्टॉक से रिलेटेड रिसर्च को अपने रिसर्च के साथ ऐड करके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ मिलकर डिस्कस करो एंड फिर ही इन्वेस्ट करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह का फीडबैक आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। जय हिंद।